सबसे पहली नारायण की तो सतर्कता परमात्मा की है। नारायण की जो भी सत्य के मार्ग पर चलेगा किसी निर्बल के साथ अन्याय होगा अत्याचार होगा तो सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को भले ही वो पहाड़ों से टकराएगा तो पहाड़ों को झुकना होगा, शासन से टकराएगा तो शासन को झुकना होगा और माफियाओं से टकराएगा तो माफियाओं को झुकना होगा। सत्य वो सत्य के मार्ग पर चले वास्तव में पीड़ित हो और आप सब वास्तविक पीड़ित हैं इस बात को कभी मत भूलना, इस एहसास को हमेशा जिंदा रखना कि हम वास्तविक पीड़ित हैं, हमें लड़ना है इस अन्याय के खिलाफ, लड़ना है, न्याय देना है, अपना पैसा वापस पाना है। तो परमात्मा की दी हुई गारंटी आपके काम आएगी, आपको न्याय मिलेगा, आपका भुगतान होगा। पहली गारंटी स्वच्छता नारायण ने दी है आपके तरफ से। दूसरी गारंटी होती है आपके नेता की कि आपका नेतृत्व कौन कर रहा है, तो आपका नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति आपके समक्ष खड़ा है या कहीं की भी सभा करता परिवार के जो भी पदाधिकारी है वो सभी न केवल इस शरीर से आपके साथ हैं बल्कि हम सबकी मन की भावनाएं भी ये हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे तमाम साथियों का भुगतान हो, एजेंट साथियों का उत्पीड़न हो, जिनको न्याय मिले वो अपने घर द्वार में पुनः प्रवेश कर सकें और अपना जीवन सुख शांति के साथ व्यतीत कर सकें। हमें से प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा है, हमारा किसी का भी कोई राजनीतिक मकसद नहीं है, कोई और मकसद नहीं है। मैं तो हमेशा आपको सबको बताता रहता हूँ कि मेरा मकसद क्या है दोस्तों, लेकिन कुछ चीजें बतानी पड़ती है आपको बार बार क्योंकि आप भूल बहुत जल्दी जाते हो। दोस्तों हमारे देश में से परंपरा है भूलने की, तो मैंने जिसे भूल जाते हैं लोग ऐसे ऐसे लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया देश के लिए, लेकिन पता चला है एक कोई भूल हो गई उसकी या गलती हो गई तो उसको दुष्कार दिया भूल गया। तो भूलने की आदत को खत्म कीजिए अजय बना है। तो आपने सबने राम से मानस रामायण पढ़ी है, सुनी होगी, देखी होगी टीवी पर भगवान के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी माता के कुछ मान लेने के कारण 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिए और वन में कितनी दिक्कतें होती होंगी उनके तमाम काल पाठ मुकुट सब ले लिए और जब वन में गए तो क्या नाम था उसका लंका का राजा रावण वो उनकी पत्नी को भी छीन ले गया, लंका ले गया। लंका के हिंदुस्तान के बीच में सबसे बड़ी महाराजा की समुद्र का सागर था जिसे पार नहीं किया जा सकता था, जो समुद्र ही पार नहीं करेगा वो रावण को कैसे मार देगा, भगवान हो चाहे कोई और हो रामा जिम्मेदार हो, लेकिन कहीं कहीं से ये रावण को मारने के लिए आपको सागर को पार करना पड़ेगा, समुद्र को पार करना पड़ेगा, या तो उसके समुद्र को पार करो अगर कोई जादू मंत्र है या पक्षी पक्षी हो या उस पर कोई पुल बनाओ। अभी तो करोगे तो पहले पुल बनाया भगवान राम ने, पहले सागर पर पुल बनाया और उस पुल में कितने लोगों ने सहयोग किया था, कौन थे वो लोग जिन्होंने पुल बनाया, बंदर थे, आदमी भी नहीं थे, बानर थे, आप सबको इंसानों बने आदमी उन्हें भूल गए हो, बंदरों से ज्यादा ज्ञान विवेक है या नहीं, इंसान हो सकते सर, आपको भी एक पुल बांधना है क्योंकि आपका जो शत्रु है वो रावण से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली है और पुल कौन बांधता है कैसे बांधता है। उन बंदरों ने इसी में छूट चपड़ नहीं की थी बिल्कुल भी कि नहीं हम कोई पत्थर नहीं ला रहे, मट्टी नहीं ला रहे, फिर उखाड़े नहीं ला रहे, जैसा उन्होंने कहा नलवन जी ने इतना पूरा हमारा के तू पेड़ का तू पत्थर का तू ये का तू गारा का मिट्टी का सब बंदर कर लिए थे एक साथ उनके साथ। और केवल बंदर नहीं जो वहां रहने वाले पक्षी थे पशु थे गिरेया तक ने समुद्र के सेतु बंधन में अपना सहयोग दिया, उनको लगा कि रावण का न्याय खत्म करना है, अत्याचार खत्म करना है, इसलिए ये जो वनवासी आया हुआ है काला था उनको थोड़ा पता थी कि भगवान है, इसकी घरवाली को छीन ले जाए वहां का राजा वो अन्यायी है अत्याचारी है उसका अंत करना है, हमें पुल बनवाना है इसके साथ सागर पर ताकि वहां जाके रावण को मार सके, वो पुल आप सबको बांधना है साथियों और वो पुल ऐसे ही बन जाए
सागर के ऊपर मुझे तमाम धर्मों का सर्वनाश हो जाएगा, आपका पैसा आपके कदमों में हो जाएगा। उनके सकता एक ही वो है सिद्धांत संकल्प के उस फूल को तैयार करने हैं ताकि उन रावणों को मारा जा सके। तो इस फूल को बनाने में तमाम साथी सहयोग करेंगे और मैं वक्ता के रूप में अपने इस कानून पर काफी अच्छी पकड़ है, मुझसे भी कई बार चर्चा हुई है। भाई हेमंत कुलकर वकील साहब सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं, बड़े अनुभवी साथी हैं और ड्राफ्टिंग के मामले में